इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सीएम का वार देखने को मिला है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी को नसीहत दी है, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो आपको बता दें, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के देन है, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सीएम का पलटवार सामने आया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी को नसीहत दी है, ये बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने, मैंने उनका वक्तव्य सुना, उस वक्तव्य के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 मार्च 2014 को ये मेडिकल कॉलेज तत्कालीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी ने व्यक्तिगत तौर से मेरे कहने से इसको स्वीकृत किया और इसके लिए 189 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया। और उसके बाद जब ये स्वीकृत हो गया, उसका जब चिट्ठी माननीय कौल सिंह ठाकुर जी हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ सेक्रेटरी विनीत चौधरी जी थे, उनको चिट्ठी गई और मैं उस चिट्ठी को लेकर कौल सिंह ठाकुर जी के पास गया, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री उनके पास गया। उन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद दी कि आपने अपने अकेले दम से ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश से जाकर इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उन्हें इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के होना चाहिए।